हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ रिजल्ट के रिगार्डिंग आप हमें बताइए कि रिजल्ट हमारे क्या अपडेट हो गए, क्या नेक्स्ट अपडेट आ चुकी। तो आपको मैं अपने जो है सामने आपके चेक करके दिखा देता हूँ कि जो है रिजल्ट की अपडेट क्या है। आप जैसे ही यहाँ पर इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे, ignu.ac.in, यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्म एंड रिजल्ट, क्योंकि आपके दिसंबर और फरवरी के रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, दिसंबर 2020 एग्जाम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके जो है अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट अपडेट आ रही है मई 28 को, जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। सेकेंड आपको चेक करके बता देते हैं कि रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो कब अपडेट हुआ है। एक सेकेंड, ये रहा हमारा रिजल्ट, रीवैल्यूएशन का जो है रिजल्ट, इसका भी बता देते हैं आपको। जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं, ये भी जो है बच्चों के डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं। बट वही चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। 20 तारीख देखिए लास्ट अपडेट यहाँ पर दे रखी है, तो अभी तक इग्नू ने जो है रिजल्ट अपडेट नहीं किए। हम जो है डेली बेसिस पे इग्नू को जो है ट्वीट पे बताते हैं, ट्विटर पे जो है टैग करते हैं, इग्नू को मेल्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है हम कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन इग्नू क्या कर रहा है, इग्नू उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है। इग्नू के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाब है कि अभी जो है हमारी टीम वर्क कर रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में रिजल्ट जो है चल रहा है। पर मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जून के एग्जामिनेशन आप जो है करा रहे हैं और अभी तक जो फरवरी में जिन बच्चों के एग्जामिनेशन जिन्होंने दिए थे उनके रिजल्ट ही नहीं आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर आप अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं इग्नू से पूछना चाहता हूँ, क्या इग्नू यहाँ पर सही काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इग्नू एकदम गलत काम कर रहा है। इग्नू बहुत ही लेट जो है रिजल्ट अपडेट कर रहा है। किश्तों में रिजल्ट अपडेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये कुछ बच्चों के रिजल्ट पहले आ रहे हैं और कईयों के रिजल्ट तो दिसंबर से अटके हुए हैं। तो मैं इस बात पे जो है बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है इग्नू गलत कर रहा है। अगर आपको भी मेरी बात सही लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और सेकंड चीज़ बताऊंगा आपको कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। कई बच्चों का जो है ये लास्ट सेमेस्टर है, मतलब लास्ट ईयर है उन बच्चों का, चाहे वो एम कॉम का सेकेंड ईयर है या फिर अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसका जो है थर्ड ईयर है। तो इतने बच्चों का जो है फ्यूचर इसके रिजल्ट के चक्कर में अटका हुआ है कि आगे वो कैसे प्रोसीड करेंगे। बाय चांस मान लीजिए कि किसी बच्चे को इग्नू में एडमिशन नहीं लेना, वो बैचलर कंप्लीट कर रखा है, अपने थर्ड ईयर के एग्जाम थे उसके और रिजल्ट नहीं आया है, वो अब मास्टर्स करना चाहता है लेकिन इग्नू से नहीं करना चाहता, तो क्या कोई यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन देगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इग्नू से करेंगे तो ही आपका प्रोविजनली एडमिशन होगा कि आप रिजल्ट आने के बाद जो है इग्नू को सबमिट कर सकते हैं। पर तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, क्या इनडायरेक्टली इग्नू बच्चों को जो है फंसा रहा है कि नहीं, आपने अगर बैचलर हमारे पास से किया है तो आप मास्टर भी करें? तो ये बात बहुत गलत है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू क्रैक हो चुका है और वहां पर जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कितने गवर्नमेंट जॉब्स के जो है फॉर्म निकल रहे हैं जिनके पेपर जो है आने वाले फ्यूचर में होंगे, लेकिन बच्चा जो है आज की डेट में अपना जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है एग्जामिनेशन नहीं, फॉर्म जो है नहीं भर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नू के रिजल्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि इग्नू अपना रिजल्ट अपडेट नहीं कर रहा और वो बच्चा जो है आगे एलिजिबल नहीं हो पाता गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा के फॉर्म भरने के लिए। कई बच्चों की जॉब सटकी पड़ी है कि जब उनकी ग्रेजुएशन होगी तब जाके जो है वो और हायर सैलरी जो है ग्रैब करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट जो है वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो आप मुझे ये कारण बताइए कि इग्नू जो है बच्चों को क्यों फंसा रहा है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और इग्नू को ट्वीट जरूर करें कि प्लीज़ इग्नू हम हाथ जोड़ते हैं, आप जो है रिजल्ट प्लीज़ अपडेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बात अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।